Step on the throne, man. एंड बोनहेड गाना है, बहुत फाड़ता. मतलब मैं इस आर्टिस्ट को बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि इंडियन है. मतलब सुन रहा हूँ ऐसे लाइक ट्राइबल ट्रैप, तो मैंने इसका नाम देखा होता और मेरे प्लेलिस्ट में था. बट लाइक आई सॉ करण कंचन के टॉप 10 सबकी स्टोरी देखी, तो मेरे को समझ आया यार ये बंदा तो इंडियन है. तब फिर मैं गया कल साउंड क्लाउड पे, अरे फॉलो तो कर ही नहीं रखा, फॉलो भी कर देते हैं और करते हैं आज की वीडियो शुरू. तो आज की वीडियो का नाम है टॉप 10 थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्विचिंग टू एबल्टन फ्रॉम एफिल. तो यही कुछ नाम रहेगा बैंड, चौथ कुछ तो होगा, मतलब रख देंगे नाम, तो टाइटल नहीं सोचते इतना ज़्यादा. बस ये है कि हाँ तुम्हें क्या ऐसी 10 चीज़ें चाहिए जो तुम्हें करनी है, पहले पता होनी चाहिए, करनी भी नहीं पता होनी चाहिए बिफोर स्विचिंग टू एफिल, बिफोर स्विचिंग टू एबल्टन. बैंड चो क्या हो गया मेरे को. तो चलो शुरू करते हैं. तो उत्कर्ष ने आज बहुत मेहनत करी है. कितने पॉइंट लिखे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट लिखे हैं भाई तुमने. तो मतलब एक बोनस पॉइंट भी दे रहा है लड़का, क्या बात है बेटे, फ्री फंड में बढ़िया नॉलेज दे रहा था तो. और के तो चलो शुरू करते हैं. और क्या होता है पहले एफएल में दिखाते हैं. एफएल क्रोम को करते हैं बंद. चलो तो जब तुम अपना एबल्टन खोलोगे या एफएल खोलते हो, सबसे पहले तुम्हें एफएल ऐसा दिखता है, आई थिंक. ये क्या सेक्सी सी चीज़ बच गई. हाँ तो तुम्हारा एफएल ऐसा दिखता होगा. अब ये सब चीज़ें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें पता होंगी कैसा दिखता है, तभी तुम स्विच कर रहे हो. नहीं पता तो सबसे पहले जाके एबल्टन डाउनलोड करो, उस पर स्टार्ट हो जाओ. और ये वीडियो में हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एफएल बेकार है या एफएल पे ही स्विच करना मैंडेटरी है वरना तो गाने नहीं बनेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चलाता है, कोई भी डॉ चलाओ, कुछ मैटर नहीं करता. मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, ह्यूस है, करण कंचन है, मतलब जो सिर्फ एफएल यूज़ करते हैं और इतने मतलब जी फाड़ गाने बनाते हैं कि मज़ा आता है. तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डॉ यूज़ करते हो करो, लेकिन ग्रुप में ही लोगों ने बोला था. हाँ लेकिन अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ 20-30 हज़ार लोग हैं, हमारा 20 ही लोग हैं यार, 20-21 लोग, थोड़े यार फॉलो करो. तो उन लोगों ने बोला भाई हमें चाहिए ऐसी वीडियो जिसमें हम एबल्टन पे स्विच कर सकें, क्योंकि वी वांट टू स्विच ऑन एबल्टन, और इसलिए कुछ ऐसी वीडियो बनाओ या ऐसा बताओ हम कि क्या कर सकते हैं. तो हमने उसके लिए एक चीज़ और सोच रखी है, एक मतलब एक चैलेंज था, वो हम लास्ट में शेयर करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ करते हैं कि क्या करनी है, चीज़ें टॉप 10 थिंग्स जो चाहिए. तो तुम्हारा लेआउट जो है वो ऐसा दिखता है कुछ, कि ये तुम्हारा प्लेलिस्ट है, ये तुम्हारा मिक्सर है, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं चैनल रैक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंट पैनल, इसको सिक्वेंसर भी बोलते हैं. हमारे सबसे सिक्वेंसर है, हमारे हिसाब से क्या है ही सिक्वेंसर ही है. और एफएल में चैनल रैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे तुम्हारा यहाँ पे हिंट पैनल है, तुम कहीं पे भी माउस मतलब अपना होवर करते हो तो ये बताता है ये चीज़ क्या है. सेम चीज़ अगर तुम एबल्टन में जाओगे तो एबल्टन में ये चीज़ यहाँ पे होती है इन्फो व्यू के नाम से. तो तुम अगर ये बताओगे तो बता देगा इस डिवाइस का नाम क्या है, ये क्या ट्रैक है, इस जगह को क्या बोलते हैं. तो ये काफ़ी हेल्पफुल है कि तुम इसको हमेशा ऑन रखना या फिर यहाँ से बंद कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है ऑप्शन में जाओ और ये है प्रेफरेंसेस. तो ये सब चीज़ हमने जैसे समझाई है अपने पहली वीडियो में कि एबल्टन जिसको सीखना तो वो हमारी पहली सीरीज देख सकता है सारी. तो उसमें हमने बताया कि एक बीट बनती कैसे, तो तुम वो भी देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा एबल्टन काम कैसे करता है. बेसिकली तुम्हें काम करना पड़ेगा तब तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, समझ में आएगी कि कैसे करना है. तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ दिन के लिए होगा कि तुम अगर एफएल से स्विच करो तो एफएल को मत छुओ या उसको अनइंस्टॉल करके रख दो कुछ दिन के लिए. तो ये तुम्हारा प्रेफरेंसेस यहाँ से खुलता है ऑप्शन में जाके या फिर कंट्रोल कॉमा से. एफएल का तुम्हें पता है तो बताने की जरूरत है नहीं हमें. अब आते हैं जैसे तुम्हें पता है कि जैसे हमने बताया यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं वो है सीक्वेंसर है, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे तुम्हारा मिक्सर है. एबल्टन में क्या है, एबल्टन में ये तुम्हारा होता है सेशन व्यू. तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि लोगों को लगता है यार ये मिक्सर है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दो. सीक्वेंसर एक अलग ही चीज़ है. सीक्वेंसर में क्या होता है कि तुम यहाँ पे ऐसे लूप से सैम्पल्स लोड करते हो और फिर तुम उसमें लाइव प्ले कर सकते हो, लाइक ड्रम रैक और उन सब पे जैसे तुम करते हो लॉन्च पैड पे. ये विंडो मोस्टली या तो किसी भी चीज को लूप में सुनने के लिए है, जो कि हम अरेंजमेंट में भी कर सकते हैं या फिर लाइव शोज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत यूज होता है ये विंडो. तो जिसको नहीं पता ना, लाइव लूपिंग जाके चेक कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा लाइव लूपिंग होती क्या है. तो लाइव लूपिंग से तुम्हें समझ आएगा ये विंडो काम कैसे करती है. और उस पर वीडियो चाहिए तो बता देना, हम बना देंगे सेपरेट वीडियो. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि गाना बनता कैसे, शुरू कैसे होता है. तो ये तुम्हारी अरेंजमेंट विंडो है जहाँ पे तुम अपने सब कुछ ड्रॉ करते हो लेफ्ट टू राइट.
जो कि सेम चीज तुम आई थिंक एफएल पे, आई थिंक मतलब एफएल पे सारे एक ड्रॉप है, तुम यहाँ पे ड्रॉ करते हो ऐसे। अब आ जाते हैं कि सबसे पहली चीज हो गई अरेंजमेंट विंडो क्या होती है, अब क्या बताना है आपके पॉइंट के हिसाब से। जैसे कि एफएल में हम कोई भी ट्रैक पे, यहाँ हमने किक लोड कर दी, फिर दूसरे के नीचे भी लोड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें है कोई भी, अगर मैंने ये लिया तो मैं ये यहाँ ड्रॉ हर जगह ड्रॉ कर सकता हूँ। एबल्टन में ऐसे नहीं चलता। हाँ तो एबल्टन में इसमें क्या होता है बेसिकली, एफएल में तुम्हारी वो पुरानी जो तुमने लास्ट क्लिक जो करा है, जिस चीज पे लास्ट क्लिक करा है वो तुम्हारा सेव रखता है, वो कहीं भी किसी भी ट्रैक पे कहीं पे भी लोड हो जाता है। इसमें ये चीज़ नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर तुमने जैसे ये चीज़ ली, अब सेम मैंने कुछ हाँ ये चीज़ ली, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नहीं लोड करेगा, अगर मुझे लोड करना है मुझे कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। बट ये ऑडियो ट्रैक है तो ये मिडी ट्रैक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑडियो ट्रैक सेपरेट होते हैं, मिडी ट्रैक डिफरेंट होते हैं। लेकिन तुम्हारा सेम चीज़ एफएल में क्या होती है, तुम यहीं पे मिडी भी ट्रैक कर सकते हो, यहीं पे ऑडियो भी कर सकते हो, तो वहाँ पे मिडी और ऑडियो का झंझट नहीं होता। ऑडियो और मिडी में डिफरेंस क्या, तो पहली वीडियो में हमने बता ही दिया। हाँ लाइक तुम्हें पता है मिडी मतलब जहाँ पे तुम्हारे पियानो के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डलते हैं, और ऑडियो ट्रैक है जहाँ पे तुम किक्स अपने डायरेक्ट सैम्पल लोड करते हो या वोकल्स रिकॉर्ड करते हो, वो वाली पार्ट को, वो वाले ट्रैक को ऑडियो ट्रैक बोलते हैं। और अब आ जाते हैं ग्रुपिंग में, जो कि अरेंजमेंट व्यू में जैसे एफएल में कर रखी है हमने। हाँ तो लाइक एफएल की तुम्हें ग्रुपिंग पता होगा कि तुम ऐसे मतलब कुछ भी एक पार्ट लोगे उस पर यहाँ पे लिखो हुए ग्रुप विद ऑफ ट्रैक, तो ये इसके साथ लिंक हो गया। तो सेम चीज इसमें कैसे होती है एबल्टन में, जैसे कर ही रखी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अनग्रुप कर, अब हो जाएगा अनग्रुप कर दे। तो अब जैसे तुम्हारे ये है जितने भी ये ट्रैक सिलेक्टेड हो रखे हैं, एक पे ऐसे क्लिक करो और लास्ट वाले पे शिफ्ट क्लिक के साथ करो तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल जी शॉर्टकट, या फिर सारे सिलेक्ट करो राइट क्लिक करो ग्रुप और ग्रुप ट्रैक। तो ग्रुप ट्रैक को तुम नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया ड्रम्स मान लो फिलहाल के लिए, तो ड्रम्स नाम दिया, तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो, पिंक कर दिया जो कि हम करते नहीं, लाल रखते हैं हम तो लाल ही रखेंगे, और अगर तुम ऐसा इन ट्रैक कलर करोगे तो सबका कलर रेड हो जाएगा। तो तुम सेपरेट सेपरेट क्लिप का भी अलग कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, लेकिन ग्रुप ऐसे होता है कि सिलेक्ट करो और कंट्रोल जी दबा दो। अब अगला पॉइंट है कि मिक्सर। तो हमने पहले कह लिया अरेंजमेंट क्या होती है, हमने बता दिया कि क्या बोलते हैं ग्रुपिंग कैसे होती है, और तुम इसमें वो चीज़ नहीं कर सकते जो एफएल में करते हो कि लास्ट चीज़ को याद रखता है, वो चीज़ इसमें ऐसे नहीं होती है। हाँ तो अब आते हैं मिक्सर पे। तो लाइक अगर मैंने ये जो 808 लोड करी थी, अब मुझे इसी 808 को मिक्सर पे डालना है, इफेक्ट्स लगाने हैं या फिर मिक्सर। तो अब एफएल में जो बस सबसे जो चीज़ है जो मेरे को दिक्कत देती है, वो देती है कि यार मुझे ना हमेशा याद आता है कि एक ही तरीका हो तो सही है, अगर बहुत सारे वेज हो तो मुझे फिर वो सारे वेज जानने, वरना मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो एफएल में तीन चार चीज़ें, मतलब कि तुम इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हो, तुम या तो इसको क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी असाइन कर सकते हो 808 को, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से भी असाइन हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब पता नहीं और भी होंगे जो मुझे पता भी नहीं, शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल एल पता नहीं क्या क्या। तो ये तुम्हारा मिक्सर है, ये खुलता है यहाँ से, तुम्हें पता ही है ये है तुम्हारा मिक्सर विंडो, और इस मिक्सर पे तुम ना लेफ्ट टू राइट डालते हो, मैं सॉरी टॉप टू राइट डालते हो, हाँ टॉप टू बॉटम, मैं क्या बोल रहा हूँ टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम डालते हो तुम इसमें, और मैक्सिमम तुम 10 ही एक उसमें लोड कर सकते हो एफएक्स। हाँ तो इसमें है कि तुमने अगर 10 से ऊपर कर नहीं सकते तो लिमिटेड है, और फिर तुम्हें अगर करना है तो फिर लिंक करो उसको, फिर उसमें 10 तुम यूज कर सकते हो। जैसे एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से नीचे से तुमने राउट करा, हाँ वैसे ही अब एबल्टन में चलते हैं और ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सीन है। ये रिवर्ब लगी हुई है रिवर्ब के साथ 808। तो अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे 808 लिखता हूँ, 808 चल कोई भी 808 ली और ये ड्रैग करी यहाँ पे, तो ये उसका एक ट्रैक बन गया सेपरेट। तो मैं इसको ड्रैग करके ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे भी लोड हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। तो या तो मुझे कंट्रोल करके नीचे एक और ट्रैक बनाना पड़ेगा, बट वैसे लोड नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे जाके मैनुअली हमने सेलेक्ट करा था कि कौन से मिक्सर ट्रैक से लिंक हो, देखो ये मिडी भी नहीं आ रही, मिडी भी नहीं लोड, हाँ ऑडियो पे नहीं आएगी, मिडी और ऑडियो दोनों अलग तरीके से चलते हैं। तो जैसे वहाँ पे हमने जैसे तू बता रहा था कि बहुत सारे वेज हैं कि असाइन टू अ फ्री ट्रैक भी कर सकता है एफएल में, जैसे एफएल कीज खुला हुआ था, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन है, ऑलरेडी चीजें राउटेड होती हैं, पहले से एक लेआउट बना है उसी को फॉलो करना है। तो अब जैसे इसमें सीधी बात है, जल्दी से बताते हैं इनको कि ये तुम्हारा ऑडियो मतलब तुम्हारा 808 वाला एरिया है, तो अब इसमें 808 ट्रैक है तुम्हारा, तो इसमें ऑडियो इफेक्ट्स में जाऊँगा और मुझे सेम चीज़ अगर रिवर्ब इसमें भी डालना है तो मैं या तो इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा या फिर मैं इस इधर ड्रैग कर दूंगा या इधर कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये तुम्हारा मिक्सर वाला एरिया है इसी का, ये देखो जो नीचे खुला हुआ, तो ये नीचे जो एरिया है ये तुम्हारा मिक्सर, अगर बंद है तो ऐसे कर लो ऑन। तो ये तुम्हारा मिक्सर एरिया है, यहाँ पे तुम मतलब एंडलेस अमाउंट ऑफ EQs
एंडलेस अमाउंट ऑफ चैनल्स कुछ भी डाल सकते हो देखो वहाँ पे 10 तक लिमिटेड होता है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे इवन ग्रुप भी कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा लिमिटेड नहीं है। अब सेम चीज़ तुम्हें ग्रुप करने हैं इनको, तो तुमने यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ तक गए, कंट्रोल जी करा, सेम चीज़ जो ग्रुप में कर रहे हो तो इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा और तुम इसको बंद करोगे तो सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। वो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि तुम्हें कई बार होता है कि तुम्हें बिना जो भी तुमने इफेक्ट्स करे सबको बंद करके सुनना है, तो बस एक क्लिक करो ग्रुप पे, ग्रुप इफेक्ट्स पे और बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें कि ये तुम्हारा मिक्सर ये है और इससे कन्फ्यूज मत होना, ये तुम्हारा मिक्सर लेआउट नहीं है। और वहाँ पे जैसे हम नीचे से राउट करते हैं फिल्म में, नीचे से जैसे यहाँ पे राउट करिए, हाँ तो ये अब साउंड ये प्ले, ये अब साउंड वहाँ पे भी जा रही है। बट एबल्टन का क्या सीन है, खोलिए एबल्टन, ऑल टैब, एबल्टन में जैसे हमने ग्रुप करा और यहाँ पे कोई साउंड प्ले होगी तो वो ऑलरेडी इसको सोलो से हटा दे, वो ऑफ हो रखे ट्रैक ऑफ रखे, तो इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड है कि अब ये ट्रैक वन, माउस दिखाइए, ये ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर, इनकी ऑडियो सबसे पहले इस पे जाएगी, हाँ ग्रुप पे, इस ग्रुप पे जाएगी और इसके थ्रू फिर मास्टर पे जाएगी। तो ये था जो कि लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये फिल्म में तो है बट एबल्टन में कैसे करें, तो ग्रुप का खेल है सारा इसमें आसान सा। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ अब क्या है, अब है मिडी, मिडी मिडी कैसे बनाते हैं, मिडी बनाते कैसे, मतलब वहाँ पे तो ऑलरेडी ऊपर पियानो रोल का एक बटन होता है, वहाँ से पियानो रोल, तुम्हें पता है मिडी इसमें तो तुम्हारी ऐसे बनती है, यहाँ ऑलरेडी पियानो रोल का बटन है, हाँ तुमने ऐसे पियानो रोल बनाया, पियानो रोल पे क्लिक करा और तुम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी, और इसी पैटर्न को फिर तुम यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करते हो तो पैटर्न आ जाते हैं तुम्हारे। इसमें ये चीज़ नहीं होती है फिल्म में, मतलब एबल्टन में, एबल्टन में क्या है कि तुम्हें ऐसे एक रीजन सेलेक्ट करना है मिडी में। अब जैसे ऑडियो में करूँगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं, देखो यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे यही चीज़ जैसे मेरा मिडी फोल्डर है, अब मिडी और ऑडियो में अगर तुम्हें डिफरेंस देखना है तो लाइक मैं दो मिडी और एक ऑडियो ट्रैक अपलोड करता हूँ, तो मिडी में अपलोड करता हूँ कह रहा हूँ, मिडी ट्रैक लोड करता हूँ तो देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये डॉट डॉट से बने आ रहे हैं और इधर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एक फुल स्केल मीटर बना हुआ है। वैसे हम बेसिकली फर्स्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। हाँ तो अब जैसे मैं इस रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम दबाता हूँ तो मेरा मीडिएटर खुल जाएगा, या फिर मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इंसर्ट मिडी क्लिप, तो तुम्हें एक रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट भी वहाँ की तरह ऑलरेडी बटन क्लिक करके पियानो रोल नहीं आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कितने रीजन की वो चाहिए तुम्हें क्लिप, पैटर्न चाहिए, तो ये है तुम्हारा मीडिएटर। और हाँ इसमें एक सबसे मेन चीज़, अगर तुमने जैसे ग्रिड सेलेक्ट कर रखी है 1/8 तो ये 1/8 को याद रखेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो अगले में भी 1/8 ही रहता है। और ये चीज़ अगर सेम मैं एफएल में करता हूँ ना, एफएल में क्या सीन है, वो जो लास्ट टाइम करते हैं उसको रिमेंबर है, एफएल में अगर मैंने ये 1/5 जैसे मैंने इसको इतना करा था तो वो छोटा ही रहेगा, हाँ तो वो छोटा रहेगा, अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया तो अभी बड़ा ही रहेगा, लेकिन एफएल में क्या होगा वो तब भी 1/8 ही रखेगा, इतना ही छोटा रखेगा उसको। तो इसमें वही चीज़ है जैसे अपने पुराने वाली चीज़ को जो तुमने सिलेक्शन करी है उसको याद रखता है, चाहे वो प्लेलिस्ट हो चाहे वो पियानो रोल हो, उसमें याद रखेगा दोनों में। और तो आगे बढ़ पियानो, लेकिन पियानो रोल यार लेकिन एफएल का बहुत प्यारा है, लेकिन तुम स्केल्स कर सकते हो, सब कर सकते हो, ये चीज़ तुम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन आदत की बात है, एक बार मुझे इसकी आदत हो गई तो मुझे फिर मैं नहीं जा सकता क्योंकि इसमें मेरे को आदत है कि मेरे को 1/8 ही चाहिए हर बार, मेरे को जो लास्ट टाइम बनाया था वो नहीं चाहिए। हाँ और इसमें कट कैसे करते हैं, लाइक लोगों का ऑप्शन होता है यहाँ पे कट कैसे करते हैं, इसमें कट नहीं होता, इसमें ऐसे ना पीछे से ड्रैग करना पड़ता है, चेंज हो जाता है। हाँ ये लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं स्टार्ट करी थी कि कट करना है लेकिन कट नहीं कर पा रहा, बट अब तो ये तुम ऐसे छोटा करते हो इसमें, और यहाँ से तुम ग्रिड सेट कर सकते हो, अपना राइट क्लिक करो कहीं पर भी खाली जगह पर और ग्रिड ऐसे सेलेक्ट कर लो, तो तुम जैसे मैं इसको नैरो कर सकता हूँ, वाइड कर सकता हूँ, वाइडेस्ट कर सकता हूँ, तो 1/4 तो ये 1/4 ही करेगा, चाहे मैं इसको लास्ट वाले को बड़ा भी कर दूंगा तो भी 1/4 ही करेगा। तो अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं जो है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो ऑटोमेशन मैं उसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत सारे तरीके ऑटोमेशन बनाने के, पता ही होगा ऑटोमेशन हाँ, कैसे बनाते हैं। तो इसमें एबल्टन में कैसे बनाते हैं ऑटोमेशन, एबल्टन में तुम्हें जैसे ये ट्रैक है इसमें वॉल्यूम है, तो ये तुमने ऑटोमेशन को करने के लिए सबसे पहले या तो ए बटन दबाओ, बट अभी तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी पेंसिल है और ये खुली हुई है, तो अब मैं ए दबाऊंगा तो ऑटोमेशन खुल जाती है। तो अगर तुम्हें पेंसिल भी खोल के रखनी है और ऑटोमेशन खोलनी है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो ये तुम्हारा ऑटोमेशन के लिए, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऑटोमेशन मोड, ठीक है यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, बट ये किस लिए होता है बता दें इनको, ये तो है कि सपोज किसी को ये बटन सिर्फ इसलिए, सपोज किसी को ऑटोमेशन रिकॉर्ड करनी है अपने हाथों से जो मूवमेंट करे तो उसको एनेबल करना, लाइक लाइव, मतलब तुम्हें लाइव रिकॉर्ड करना है उसको ऑटोमेशन को, तब वो काम आता है। तो अब जैसे मुझे इसकी ऑटोमेशन करनी है, क्लिक करो वहाँ पे दिखने लग जाएगा, हाँ तो देखो तुम्हें मूवमेंट दिख रही है, लेकिन अब इसको करोगे कैसे, तुम इस पर क्लिक करो, एक पॉइंट इधर बनाओ,
तो अभी देखो तुम कहोगे यार ये क्या हो रहा है, तो तुम्हें पेंसिल टूल पहले बंद करना पड़ेगा, बी दबा के या फिर यहाँ से क्लिक करके ये ऑन ऑफ। तो मैंने एक पोर्शन यहाँ सेलेक्ट करा, एक पोर्शन यहाँ सेलेक्ट करा और मैंने ऐसे नीचे कर दिया। और चाहो तो तुम उस पॉइंट पे ये देखो वॉल्यूम कम हो रही है, ऑटोमेशन जो है बन गई इसकी। अब तुम चाहे तो उस पॉइंट पे क्लिक करके उस पे राइट क्लिक करके वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। 10.1 में अपडेट आया, तुम राइट क्लिक करो एडिट वैल्यू, तो तुम इस पे लिख सकते हो 4, तो ये +4 पे चले जाएगा। और अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा जैसे कोई प्लगइन है और उस प्लगइन पे मेरे को करनी है ऑटोमेशन और उसके पैरामीटर कैसे होंगे, तो मैं कोई थर्ड पार्टी प्लगइन खोल देता हूं, लाइक सीरम खोल देता हूं। सीरम तो सीरम पे मान लो मुझे कोई भी पैरामीटर करना है, तो एफएल में क्या होता है यहाँ पे तुमने क्लिक करा और फिर तुम जाते हो लास्ट क्रिएटेड, तुमने लास्ट क्लिक जो करा है उस पे ऑटोमेशन करनी है। अब मुझे सेम चीज पे करनी है तो क्या होगा, ये एरो होता है, इस एरो पे क्लिक करो और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। अब क्या होगा देखो यहाँ पे ऑटोमेशन तो आई रही है, अब मैं इसको मूवमेंट करूंगा तो, वहाँ पे दिखने लग तो देखो वो कॉन्फ़िगर हो गए। अब मैं इस पे करूंगा तो ये कॉन्फ़िगर हो गया फेस, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो जो भी चीज़ मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी वो बनती जाएंगी ऑटोमेशन यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेशन नहीं होता वो पैरामीटर्स यहाँ आ जाएंगे, और इसे मुझे ये ऑटोमेट करना है अपना वॉपिंग मोड ऑन ऑफ। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करा, हो गया। अब मैं कॉन्फ़िगर से हटाऊंगा, इस पे शो ऑटोमेशन करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखना ये हो गया, अब तुम्हें बेंड चाहिए तो ऑल्ट दबाना और ये बेंड आ गया, ऑल्ट से बेंड आ जाता है। हाँ, तो अब इसको ज़्यादा एबल्टन का ट्यूटोरियल ना बनाते हुए, स्विच करने का बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है अगला है शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट क्या है बेसिक, तो शॉर्टकट सबको पता ही है, पहला तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो हर डॉ में काम करता है, हर चीज में काम करता है। उसके अलावा है कि अगर मुझे इस चीज को रिपीट करना है कंट्रोल डी या कमांड डी, कंट्रोल बी होता है। हाँ, जो कि पता नहीं क्या सेंस बनाता है, मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे कंट्रोल डी डुप्लीकेट का शॉर्टकट कंट्रोल डी। हाँ, तो मेन चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है पेंसिल टूल जो है बी, तुम्हें पता होना चाहिए ए से बनता है तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑटोमेशन मोड। पर ऑटोमेशन मोड अगर ए से ऑन करें तो तुम्हारा पहले पेंसिल टूल और ये मिडी वाला दोनों बंद होने चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। बी और एम बंद होने चाहिए, तो ए से तुम्हारी ऑटोमेशन खुल जाएगी। अब क्या है और बताओ, और तेरा हो गया कि मिडी क्लिप का बनाने का शॉर्टकट जो है कंट्रोल शिफ्ट एम। और ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक बनाने का, अच्छा हाँ, नए ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक बनाने, तो कैसे होगा यहाँ पे इस खाली स्पेस में तुम क्या कर सकते हो, इस खाली स्पेस में जाके यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक लिखे ही। हाँ, लेकिन शॉर्टकट लिखे कंट्रोल टी फॉर ऑडियो ट्रैक, कंट्रोल शिफ्ट टी फॉर मिडी ट्रैक और रिटर्न। तो बस हम ये बताना चाहते हैं कि शॉर्टकट याद रख लो, क्योंकि एफएल में तुम्हें याद होते हैं और एबल्टन पे स्विच मारने पर तुम्हें याद नहीं होता, तो तुम भूल जाते हो। तो वही है, ये इतना जल्दी याद नहीं होंगे, तो ऐसे कोई स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएंगे सारे। बट इस विंडो का यूज करना इन्फो व्यू का, तो जल्दी काफी हेल्प होगी। फिर सैंपल कैसे लोड करते हैं, तो सैंपल लोड करने के लिए यहाँ पे ऐड फोल्डर होता है, तुम्हें जो भी सिलेक्ट करना है सैम्पल फोल्डर करोगे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तुम्हारा ऐसे लोड हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये लोड कर रखा है यहाँ पे, और ये तुम्हारा सर्च बार है, यहाँ पे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, ये मेरे सारे सैम्पल्स हैं। ठीक है, और अब सैम्पल को जैसे एफएल में सैम्पलर में ऑलरेडी लोडेड होता है, जैसे 4 चीज़ें बनी आती है, एफएल खोलियो। हाँ, तो बोलो, किक पे क्लिक कर। हाँ, तो अब ये चीज़ क्या और ये एबल्टन में कहाँ होती है। हाँ, तो अगर तुम जैसे इसको इधर ड्रैग करते हो तो डायरेक्टली, लाइक अगर मैंने ये 808 ली और ये 808 मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी, तो डायरेक्टली सैम्पलर के अंदर आती है, तो इसको सैम्पलर बोलते हैं, जिसको नहीं पता तब तक, इस चीज़ को सैम्पलर बोलते हैं। यहाँ पे तुम इसके साथ एडिट ये सब कर सकते हो। ये चीज़ अगर तुम्हें एबल्टन में करनी है तो इसके दो तरीके हैं, पहले या तो यहाँ पे पहले क्लिक करो इस ट्रैक पे और फिर कोई प्लग इन लोड करो, लाइक अगर मैं या फिर कोई वन शॉट। अब देखो मैंने पहले इस पर क्लिक करा और मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, तो आगे सैम्पलर में खुद लोड हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही है सैम्पल में। हाँ, अगर मैंने मिडी पे लेकिन क्लिक करा और मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ये ऑडियो ट्रैक बना देगा। हाँ, इसको ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है लोगों को पहले, तो अब इसके दो तरीके, या तो इस पर क्लिक करो और फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करो, या फिर इंस्ट्रूमेंट में जाओ सबसे पहले और एक सैम्पलर लोड कर दो मिडी ट्रैक पे। अब तुम्हें जो भी कुछ भी ट्रैक करना है डबल क्लिक की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसमें ट्रैक कर दो और तुम सैम्पलर से सिंपलर में कुछ भी कर सकते हो। सैम्पलर सिंपलर में यही फ़र्क है कि सैम्पलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपलर जैसे उसका नाम है थोड़ा सिंपल होता है, तो उसमें काफ़ी कम चीज़ें होती हैं, ऑप्शन थोड़े कम मिलते हैं तुम्हें, लेकिन दोनों के अपने यूज हैं। और अगला बता देते हैं कि ट्रैक रेंडर कैसे करें। ट्रैक रेंडर कैसे करें, जैसे तुमने इतना पार्ट सिलेक्ट कर लो, पहले पार्ट सिलेक्ट हमेशा करना तो तुम्हारे लिए इजी होगा। जैसे तुम्हारा गाना इतना है तो यहाँ पे जाओ फाइल में, एक्सपोर्ट ऑडियो,
और जो भी तुम्हारी सेटिंग रखनी है, तुम्हें वेव रखना है, ऑन रखना है, वेव ऑन ही रखना तो ऑफ कर दो. MP3 करना है तो ऑन कर सकते हो, तो सिर्फ MP3 में होगा. दोनों करना है तो दोनों ऑन कर दो एक साथ. दोनों तुम्हें कितना सैंपल रेट बिट डेप्थ चाहिए वो सब चीज़ हमने कवर करी है फर्स्ट वीडियो में क्या होती है, जाके देखो. किसी को और डेप्थ चाहिए क्योंकि वो भी डेप्थ में नहीं है, वो भी बेसिक लोगों के लिए था, तो या तो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर हमें बता देना, हम वीडियो बना देंगे, कमेंट कर देना वीडियो में. तो ये भी 44 और 24 पे सिलेक्ट हो रखा है, 44.1 किलोहर्ट्ज़ हो रखा है और 24 इसकी अभी बिट डेप्थ है. तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, पूछेगा कहाँ पे करना है और वहाँ पे करो, नाम दो उसको और वो शुरू हो जाएगा एक्सपोर्ट. तो कार्तिक तो एक स्टार्टिंग में क्या बता रहा था वो क्या है? क्या नहीं, अपने पॉइंट्स सारे हो गए, पॉइंट्स हो गए ठीक है. और हाँ एक और चीज़ ऑप्शन में जाओ प्रेफरेंसेज में, और तुम ना यहाँ पे जाके जैसे तुम्हें प्लगइन्स लोड करनी है अपनी थर्ड पार्टी, तो तुम यहाँ से ब्राउज कर दो. तो एक फोल्डर बनाना, अपने DLL लेना सारे, DLL तुम्हें पता होगा अगर तुम काफ़ी टाइम से अगर वो चला रहे हो अपनी प्लगइन्स थर्ड पार्टी FL में, तो यहाँ पे ब्राउज करना और वो सारी DLL तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. कोई भी फोल्डर बना के वहाँ पे DLL में सारी सिलेक्ट कर दूँगा, जैसे मेरी DLL इसमें पड़ी है VST प्लगइन्स में, तो ये सारी मैंने ऐसे सेग्रीगेट कर रखी है कि ऑडियो इफेक्ट्स है फिर इंस्ट्रूमेंट और ये सब, तो तुम भी ऐसे अरेंज करके रख सकते हो. हाँ क्या कह रहा तू, कते जल्दी भाग रहा है तू इस ट्यूटोरियल में? भाई मेरी बात का जवाब तो दे दे. बताओ बताओ इंट्रो में क्या बता रहा था तू? क्या बता रहा था? तो स्पेशल है. अच्छा तो स्पेशल की बात चल रही थी, वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी हमारी, 21 मिनट की हो गई, लेकिन ये नहीं करेंगे लंबी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं. तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, और अब जो सबसे मेन चीज़ है, तो एक रूल होता है 21 डेज रूल करके एक, है ना, तो उसका मतलब होता है कोई भी हैबिट बनानी है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है. लेकिन मुझे पता सारे हमारे जो व्यूअर्स भी हैं वो भी हमारी तरह ही है कि आदत तो हमारी 2 सेकंड में बनती है, छूटती है. लाइक मेरे को देख लो, सही बहन से 2 दिन जाता हूँ भागने, 3rd दिन छोड़ देता हूँ, जिम जाओ छूट जाता है. तो वही है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए तुम्हें 21 दिन उसकी मेहनत करनी पड़ती है. तो वो मेहनत अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या करना है, तुम 7 दिन हम बनाएंगे बीट्स, ठीक है. अगर बीट्स अभी मेरे को लगता है जो कि बेसिक बीट्स सब बना सकते हैं या ड्रॉप बनाओ, तो तुम्हें ये नहीं कर रहे हो मतलब कि कंस्ट्रेन की तुम्हें सिर्फ बीट्स बनानी है या ड्रॉप बनानी है, तुम ड्रॉप बनाओ या पूरा गाना बनाओ, दैट्स योर विश. अगर पूरा गाना बनाओगे और अच्छी बात है, लेकिन ये होता है कि हमारे लिए सबसे ईजी होता है अगर हम एक ड्रॉप बना लेते हैं तो साइड की अरेंजमेंट बनाना आसान हो जाता है. तो 7 दिन 7 ड्रॉप या 7 छोटी सी 30 सेकंड की या 1 मिनट की बीट. अब 30 सेकंड की नहीं बनाना, पूरी बनाना, हमने सिखाई है लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में कैसे एक पूरी बीट, लास्ट वीडियो में कि कैसे एक पूरी वीडियो में मतलब तुम एक गाना कैसे बनाते हो. तो 30 सेकंड में तुम मतलब हमें एक गाना बना के दो, मतलब 30 सेकंड में नहीं, एक रोज एक टाइम लो और Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 ऐसे 7 दिन करो. 21 डेज जो कर सकता है वो तो मतलब ये लेजेंड है एकदम, सैल्यूट उसको. तो उस टाइम पे तुम 21 डेज करोगे तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस डॉ की. तो कोई भी डॉ में शिफ्ट करना है, लाइक जब ये भी कर रहा था और मैं कर चुका था, तो इसका भी यही था कि ये लोग मतलब पूरा टाइम लगा रहता था उसमें Ableton में, तो FL कुछ टाइम के लिए इसने रोक दिया था. लाइक इसके साथ क्या सीन था, ये MIDI बनाता था FL में क्योंकि इससे प्यारो नहीं चलता था, और फिर उसको एक्सपोर्ट करके Ableton में डालता था, फिर डालता था उसमें Ableton में. तो फिर ये आता था, देख मैंने ये करा, देख मेरे से FL नहीं चलता क्योंकि. हां तो वो तो कितने साल हो गए इस बात को, 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर. हां तो मुझे भी हो गए 2.5 के करीब हो गए, लेकिन मैं इतना चलाता नहीं था उस टाइम Ableton. FL तो मैंने बंद ही कर दिया था बिल्कुल. तो FL तुम कुछ टाइम के लिए या तो रोक दो या थोड़े दिन के इंस्टॉल कर लो, और Ableton चलाओ, और 7 दिन हमें ना 7 गाने भेजो. गाने नहीं बन रहे तो सिर्फ चलो छोटा सा एक पार्ट बनाओ उसका, कोशिश करो कि एक ड्रॉप बन जाए या एक बीट बन जाए, और उसको हमें भेजो 7 दिन, ग्रुप पे भेजो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेजो, जो करना करो, स्टोरी डालो ताकि हम देखें उसको. तो हमें बताओ कि तुमने ये बनाया और तुम 7 दिन ये ट्राई कर रहे हो, और फिर क्या होगा देखना, उसके बाद बताना. अगर तब भी तुमसे नहीं हुआ तो फिर बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा, तब बताओ कि नहीं यार ये तो तुम गलत बोल रहे थे, हुआ नहीं, ऐसा होगा ही नहीं. तुमने 7 दिन चलाया, तुम वापस से FL पे, तुम्हें लगेगा यार कितना सही है Ableton में, क्योंकि इसमें मिक्सर वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, तो यार सब कुछ इतना ईजी हो जाएगा ना, तुम कहोगे यार सिंपल, बहुत सही है, वर्क फ्लो काफ़ी फास्ट है Ableton का. लाइक कुछ तुम्हें असाइन नहीं करना, जैसे अभी हमने एक चीज़ नहीं बताई इसमें कि इसमें रिटर्न ट्रैक पहले से बने होते हैं, तो तुम जैसे उसमें FXs बनाते हो, यहाँ पे क्या होता है सब बने होते हैं. तो मैं लाइक अगर इस पार्ट में अगर मैं ये चीज लूंगा, ऑलरेडी अपने उस Ableton की हाँ उसमें बता चुके हैं. लाइक अगर मैं ये चीज लेता हूँ, इस पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डला होगा तो मैं ये चीज़ ऐसे यहाँ डालता हूँ, ये देखो. अब मैं इस पर रिवर्ब डालूंगा, पहला रिवर्ब का है, तो ये FX का वो है सेंड करने का. तो यहाँ पे बहुत ईजी रहता है, तुम रिटर्न ट्रैक बना सकते हो कोई भी. तो जाओ 7 दिन की वीडियो को करो और इस चैलेंज को फॉलो करो और बस फाड़ दो 7 दिन, और हमें भेजना है. अगर स्टार्ट करो तो 7 दिन करना है इसको, बीच में मत रोकना, और बहुत इजी हो जाएगा यार. उसके बाद तुम कहोगे यार मज़ा आ गया,
और जो एफएल चलाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम वीडियो देखो एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए। और आज भगचौदी थोड़ी कम करिए लेकिन करते रहेंगे, चलती रहेगी भगचौदी। तो चलो फिर, पीस आउट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।